तो मैंने अपने रूम के लिए दो तीन चीजें ना अमेज़न से। हेलो एमजी फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम एमजी व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हुआ है गाड़ी के अंदर। और कहाँ जा रहे हैं आजकल? हम जा रहे हैं एलांते शॉपिंग करने। शॉपिंग करने कोई नहीं जा रहे, अपना फोन निकाल पहले। फोन दिखा लोगों को, अपना दिखा, आगे आगे करके दिखा, आगे से दिखा, सामने से। हाँ चल, इसी को जज मत करना, ये सबके साथ होता रहता है। दिखा तो सही एक बार, ये देखो इसका फोन, देखो आंचल का फोन की हालत देखो। इस लड़की ने अपने फोन का ना टमाटर बना दिया, कचुम्बर निकाल रखा है इसने। फोन की स्क्रीन इसकी पहली टूटी हुई थी और बचा कुचा फोन इसने और तोड़ दिया। जब अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी वहाँ पे पार्टी वार्टी बनाने, पार्टी करने, तो बिल्कुल फोन इसने तोड़ दिया अपना। और अब इसको नया फोन दिलाने जा रहे हैं हम मॉल, और देखते हैं वहाँ पे इसको कौन सा फोन पसंद आता है। तो मेरी मम्मी ने पहले ही मना कर दिया, महंगा फोन नहीं लेना है क्योंकि अल्टीमेटली तूने तोड़ ही देना है फोन। बात ठीक है, मैं भी तेरी मम्मी होता मैं भी यही बोलता हूँ। मैं तो तेरे को नया ही ना दिलाता, मैं बोलता नोकिया रख 33,000। मैं तो पहली बात ये सुन के शॉक, मम्मी बोलती चलो फिर अब तो नया लेना पड़ेगा। मैंने कहा तो हमने लिटरली सोचा था कि अभी दिन का टाइम है, इतनी भीड़ नहीं होगी, और ये देखो हम फंसे हुए हैं जाम में तेरी वजह से। तेरे को फोन ना लेना होता तो बच जाते हम। अरे हाँ, और तो गलती आपकी भी है। मेरी क्या गलती? यहाँ तक आके बोलते ओहो आज सैटरडे है, मुझे लगा हम वीकडे में जा रहे हैं लांते। तो मेरे को सच्ची लगा आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा कुछ, मुझे क्या पता ऐसी नजायज भीड़ मिल जाएगी। हाँ चल, मेरे को ये टूटे हुए एस्केलेटर देख के ना फाइनल डेस्टिनेशन की याद आ जाती है। मुझे अगर आंचल हल्का सा भी आइडिया होता ना आज इतनी भीड़ है, मैं तो लिटरली नहीं आता। मैं खुद ही नहीं बोलती आपको चलने के लिए। इधर रहने थे, बहुत भीड़ है, दूसरे स्टोर पे चलते हैं। ऐसा लग ऐसा लग रहा है कि पूरा पंजाब एप्पल खरीदने आ गया है। और ये देखो, ये पुणे से खरीदने आई है एप्पल। मैंने लिटरली इसको बोला कि जितने बजट में तू आईफोन लेगी ना उतने बजट में अच्छा तेरा एंड्रॉइड फोन आ जाएगा। आपने भी आईफोन ही लिया हुआ ना? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तू करती है? ये किसका, 11 का कलर है? अच्छा है ये वाला कलर, ये पर्पल तो है, उनके पास नहीं था ना ये। तो आंचल के आईफोन का अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, तो तब तक मैंने मीन वाइल अपना ये चार्जर ले लिया है आईफोन का ओरिजिनल, क्योंकि मैं ना अभी तक मैकबुक के चार्जर से चार्ज कर रहा था और उससे फ़ोन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है ओवर टाइम। तो मैंने कहा ओरिजिनल चार्जर ले लेता, मुक्ति और मेरे दोनों के एक ही चार्जर काम आ जाएगा। भाई साहब 1900 रुपये का चार्जर आया, 1900 रुपये का। हाँ तो चार्जर साथ में तो देना नहीं है इन्होंने। और एक हैरानी की बात हो रहा है, आईफोन 11 के साथ भी चार्जिंग नहीं है। अब उन्होंने आईफोन 11 की भी जो पैकिंग है वो चेंज कर दी है, छोटी वाली पैकेजिंग में दे रहे हैं और उसके साथ भी चार्जर नहीं है, तो वो भी अलग से लेना पड़ेगा। इतनी ज्यादा भीड़ है ना यहाँ पे, भूख लग रही थी, मेरी भूख मरती जा रही है लोगों को देख देख के। मैकडॉनल्ड्स में ना एक भी टेबल खाली नहीं है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। एक तो ना यहाँ पे एस्केलेटर भी सिर्फ एक ही चल रहा है और क्या बोले, पूरा ऐसे बिल्कुल जैम पैक्ड हो गया, ऐसा लग रहा है वैष्णो देवी में आए हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। बस यही बोलने की देर है, जोर से बोल लो जय माता दी। फाइनली फाइनल तो कर दिया आंचल ने अपना फोन, जो कि है 11, आईफोन 11। कौन सा कलर? लैवेंडर, लाइलैक, पर्पल। एप्पल वाले उसे पर्पल बोलते हैं, तो पर्पल ही बोलेंगे हम। ठीक है, तो पर्पल कलर हमने आईफोन का सिलेक्ट कर लिया है। अभी इसके पापा ने अप्रूवल दे दिया तो हम मंडे को आके लेंगे, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज्यादा है, इतनी भीड़ है इलांटे मॉल में। मैं लिटरली लोगों को बोलूंगा वीकेंड पे इलांटे मॉल ना आओ, अगर आप प्लान भी कर रहे होंगे सैटरडे संडे जाऊंगा, ना आओ, बहुत ज्यादा भीड़ है, पूरे अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आ रखे हैं। और एक तो एस्केलेटर भी काम नहीं कर रहे हैं भाई साहब, वो एक ही साइड से सारे लोग चढ़ रहे हैं, एकदम गुच्छम गुच्छा हो रखा है, तो ना लो, रिस्क वाली बात है, हमने तो रिस्क ले लिया। हम आपको बोल रहे हैं बिल्कुल भी बताना, आओ ही मत, वीकेंड पे आओ मत, वीकडेज पे आओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद कैंसिल। तो आज हम खाना खाएंगे हेल्दी, तो मैंने करे राजमा चावल, आंचल ने करे है कड़ी चावल, वैसे करे तो राजमा चावल ही थे। भैया कड़ी चावल पकड़ा के चले गए, आंचल ने कह रहा कोई नहीं भैया कड़ी चावल ही खा लेंगे।
कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी लग रही है, बट खुशबू अच्छी आ रही है घड़ी की। तो फिर हम खाते हैं, मतलब वो ना हमने बर्गर वर्गर खाने वाला सीन अब खत्म कर दिया थोड़ा सा। हमें ये कि खा भी रहे हैं बाहर, तो ऐसे कढ़ी चावल, राजमा चावल या कुछ हेल्दी सैंडविच ऐसी चीज खा ले जिससे डाइट वाइट ना खराब हो फालतू में। झूठ बोल रहे हैं, लांदे में भीड़ थी ना इसलिए आ गए राजमा चावल कढ़ी चावल खाने। ऐसा कुछ नहीं है। तेजू मेरा गुगलू, मम्मी कैसे हो? तो फाइनली वी आर होम। तो अभी शाम हो गई है, सुबह से मुक्ति को भी नहीं मिला हूँ। और भाई आंचल की शर्ट चुरा ली तूने, शर्म ही नहीं आती है। तो भाई साहब मैं अभी घर आया हूँ शाम को, मैंने कहा अपने रूम पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, बट रेस्ट करने कौन देता है। मुक्ति अपनी वीडियो शूट करने लग गई है मेरे कमरे में और अब मुझे बाहर जाने को बोलेगी। हैं? क्यों जाना पड़ेगा, मैं तेरे को तंग कर रहा हूँ? तुम ना व्लॉग बना लेना वीडियो मुक्ति। और ये पंखे का क्या बना दिया तूने, ये क्या बना दिया पंखे का? हाँ तो तूने वो एलईडी लाइट को पंखे पे लपेट के रिंग लाइट बना दिया। हाँ, मतलब बनाने की कोशिश की है। क्रिएटिविटी, क्या बात है, क्या बात है। चलो सही है, कर बना तू अपनी वीडियो। मैं नहीं बाहर जा रहा मुक्ति, मैं नहीं बाहर जा रहा, मुझे तंग मत कर, मैं किसी को तंग नहीं कर रहा, मैं थका हुआ हूँ, मेरे को रेस्ट करना है। टैटू चले छत पे चले गुल्ले, देखा पूछ क्या हिल रही है। टैटू ना मेरे कमरे में आया स्पेशली, मेरे कमरे में, पापा के कमरे में। ये देखो, ये देखो टैटू, जप्पी नहीं डाली, मैं लेके जा रहा हूँ, लोगों को बताने तो दे क्या हुआ। तो टैडी ना मैं पापा के कमरे था, मुक्ति मेरे कमरे में वीडियो बना रही है, दो घंटे से बैठी है अंदर। तो टैडी मेरे कमरे में आया और मेरे को इतनी देर से पंजे मार रहा है, मुझे लग रहा है इसको पोटी आ रही है। वैसे तो इसको शाम को मम्मी और पापा जाके पट्टी करा लाए थे, छत पे लेके जाता हूँ इसको, थोड़ा सा घुमाता हूँ, फिरता हूँ, मैं देखता हूँ ये महाशय पोटी करते नहीं करते। ऐसे नहीं करता ये पोटी, मुँह पे हाथ फेर के ऊपर लेके जाना पड़ता है। मॉरल सपोर्ट दे रही, तैदू थक पे तलते हैं, तैदू थक पे तलते हैं। आजकल ना मैं और पापा कोशिश करते हैं कि टैडी को ना छत पे घुमा लिया करें, छत पे पोटी करा दे करें। गली के ना कुछ लोग हैं हमारे, तीन चार घर छोड़ के दो तीन घर हैं, वहाँ के इतने वियर्ड से लोग हैं, वो कहते हैं आपका कुत्ता हमारे गाड़ी के टायर पे सूसू कर देता है। कोई ऐसी उनकी BMW मर्सिडीज भी नहीं है, और मुझे ये नहीं समझ आता गली के कुत्ते भी तो सूसू करते होंगे उनकी गाड़ी पे। मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आया उनका कॉन्सेप्ट क्या है। और हमने शुरू से एक चीज़ बांध रखी है, जब भी डैडी को पॉटी कराने जाते हैं तो हम अखबार साथ में लेके जाते हैं और उसकी पॉटी उठा के हम डस्टबिन में फेंकते हैं हमेशा। उसके बाद भी लोगों को ऑब्जेक्शन है, पता नहीं क्यों, बट हम ले तो जाते हैं इसको भी घुमाने, बट काफ़ी प्रेफरेंस ये रहती है कि इसको छत पे ले आओ, थोड़ा घूम लेता है खुला, तो रस्सी नहीं बांधनी पड़ती। और ही लाइक्स टू यू नो ऐसे भागना इधर उधर, ओए मेरे पैरों में घूम रहा है। तो टैडी को पसंद है ऐसे भागना खुला, रस्सी बांध के इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और इरिटेबल भी हो जाता है। और बाहर इसको छोड़ते तो गली के कुत्ते बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो छत पे ये बड़ा आराम से अपनी हवा भी ले लेता है, भाग भी लेता है, घूम भी लेता है। अब जाके ये लड़की दो तीन घंटे हो गए इधर को अंदर कमरे में, तू करके रही इतनी देर से वीडियो बना रही, करके रही है। मैं अपना रूम रेनोवेट करने लगा हूँ। हाँ मैं अपना रूम बिल्कुल चेंज कर लूंगा, पूरा का पूरा। मैंने कुछ चीजें ऑर्डर कर दी ऑनलाइन, बुलडोजर बजवाना ऊपर। नहीं नहीं वो तो पूरा घर ही ढह जाएगा। मैंने पता क्या सोचा है, मैंने ना तो वहां पे कॉर्नर में बेड मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बेड कॉर्नर से हटा के सेंटर में लगाऊंगा इस वाली वॉल पे, सेटिंग ठीक है। हाँ और ये वाली अलमीरा कहीं और करूंगा। तो इंटीरियर डिजाइनर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, और जिनको लगता है वो इंटीरियर डिजाइनर है मुक्ति गौतम की तरह, वो कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ अपने रूम के लिए मैं क्या कर लूँ। तो मैंने अपने रूम के लिए दो तीन चीजें ना, करंट लगा मुक्ति बंद करके कर दे उसको, पागल है तू, स्विच बंद कर, पागल कहीं की नींद उड़ा दी सारी। नींद करंट पता कितनी जोर से लगता है, पागल लड़की, हरकतें करवा लो। वैसे इतना डरती है करंट से, इसको कैसे फोल्ड कर रही थी ऑन करके तू? ऐसे फोल्ड कर रही थी पागल। आ जानी है साइकिलिंग करना है, वो जो स्मार्ट साइकिल्स आई है। हाँ यार ये ना चंडीगढ़ में, पता नहीं आपकी सिटी में है नहीं है, चंडीगढ़ में स्मार्ट साइकिल्स आए हैं, पुणे में भी है, पुणे में भी है। तो उसको आप स्कैन करते हैं ना, ऐप डाउनलोड करते हैं, स्कैन वैन करते हैं, उसमें आपके ऑनलाइन ही पैसे कट जाते हैं। देन यू ड्राइव द साइकिल और आप किसी भी मतलब उनके स्टैंड अलग अलग जगह लगे हैं वहां पे साइकिल छोड़ सकते हैं। तो हम प्लान कर रहे थे आंचल और मैं प्लान कर रहे थे कि हम साइकिलिंग जाए वो स्मार्ट साइकिल पे। तो कोशिश रहेगी कि कल संडे है
कल हम कर सकते हैं ना, तो स्मार्ट साइकिल जो चाहता है ना जल्दी से कमेंट कर दो, सुबह व्लॉग अपलोड होगा तो हमें पता लग जाएगा मैं कितना का निकलूं। ओके और मंडे को जाएंगे, कल तो भीड़ होगी संडे है ना, मंडे को चल लेंगे। मुक्ति मेरे कमरे से बाहर निकल जा, मैं दुखी हो गया हूँ तेरे से। क्या दो मिनट गाना मेरे को नहीं, मैं बंद कर इसको मैं क्या ही। मैं दुखी हो गया हूँ, ये गाना तू 150 बार चला चुकी है, तू अपनी कमरे में बना लेना मुक्ति प्लीज। मैं थका हूँ, मतलब कितनी नींद आ रही है। तेरी लाइट जली हुई है सारी, तेरी आवाजें चली जा रही है, फोन पे कैसे नींद आएगी। इंटरेस्टिंग तो कहीं टेस्टिंग कल करना, कल संडे है, गेट आउट हो जाए यहाँ से। नहीं किसी पे लगाई हो। मैं ना अभी एक घंटे से देख रहा हूँ ये जाएगी 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 अपनी वीडियो बनाने के बाद, फिर तो कुछ करने लग गई है, निकल जा रही है। मैं नहीं बस ट्राइपॉड के साथ नहीं था फोन, मुझे नहीं चाहिए ट्राइपॉड। तो यार मैं तो ना बहुत ज्यादा गया हूँ थक, अब मेरे आगे टाइम सोने का। तो इसी के साथ करता हूँ मैं व्लॉग को खत्म, और आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और गाइस बाय बाय, टाटा गुड नाइट।